नमस्ते दोस्तों, अभी आपको हम लेके चलेंगे शिरडी के प्रसादालय। ये देख रहे हैं प्रसादालय, ये शिरडी मंदिर से सिर्फ 700 मीटर दूरी पे है, एकदम नज़दीक है, आप पैदल आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रसादालय है ये सुबह 10 बजे से खुलती है रात 10 बजे तक। यहाँ हम एंट्री कर चुके हैं और एकदम प्रसादालय के भीतर जाने के लिए कूपन लगता है, आप कूपन ले सकते हैं, कूपन लेके जा सकते हैं। और यहाँ का खाना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी। ये साईं बाबा जो है खाना बना रहे हैं, देखिए ये पुतला, बड़ा सा पुतला है एक। और दोस्तों, आप लोगों को जानकारी के लिए और एक बात बता दूँ, ये जो प्रसादालय जो भवन है ये 7.5 एकड़ में बना हुआ है और मंदिर के ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, आप पैदल आ सकते हैं, मैंने पहले बताया है। और ये जो भवन है इनका उद्घाटन किए थे हमारा जो प्रेसिडेंट थे श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, मंगलवार दिन का इनका उद्घाटन हुआ था। और ये देखिए, ये टिकट काउंटर का जो लाइन है, हम लाइन लगा रहे हैं, ये टिकट काउंटर का जो लाइन है ये है, ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत भीड़ रहता है। तो आज का दिन उतना कुछ खास भीड़ नहीं है, हम एकदम सुबह सुबह आ गए हैं, एकदम 10 बजे एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ का खाना जो है एकदम बिल्कुल फ्री है। ये प्रसाद जो बनता है यहाँ पे, पहला प्रसाद जो है साईं बाबा को चढ़ाया जाता है, उसके बाद सारे जो डिवोटीज़ है वो डिवोटीज़ को यहाँ पे खिलाया जाता है। यहाँ पे ये देखिए, टिकट ले चुके हैं हम, टिकट लेके हम अंदर आ गए हैं, अंदर मतलब लाइन लगा रहे हैं, लाइन से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये सीटिंग कैपेसिटी है ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर जो है वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी है 3500, और ऊपर में फर्स्ट फ्लोर भी है, वहाँ पे हज़ार हज़ार करके दो कमरा है। ये देखिए, यहाँ से सब अंदर आ रहे हैं, वो कमरा में, दो कमरा में हज़ार हज़ार करके लोग बैठते हैं, तो टोटल सीटिंग कैपेसिटी हो गया ऊपर नीचे लेके 5500। और यहाँ का जो खाना बनता है मेनली, अधिकतर खाना जो बनता है वो सोलर सिस्टम जनरेटर से बनता है। और यहाँ पे मैग्लोनियन जो टाइल्स है, उस टाइल्स का जो सोलर सिस्टम बना हुआ है छत के ऊपर, तो इसलिए यहाँ का बिजली इस भवन का कभी भी जाता नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, क्योंकि अगर बिजली चला गया तो खाना बनने में भी प्रॉब्लम होगा, और जो श्रद्धालु जो है वो जब खाना खाने के लिए बैठेंगे तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम होगी लाइट का वजह से, पंखा का वजह से। ये देखिए, यहाँ पे हम टिकट दे रहे हैं, कूपन दे रहे हैं, दे के हम अंदर जा रहे हैं। लोग बहुत ही शांत स्वभाव के हैं यहाँ पे। यहाँ का जो खाना दिया जाता है वो महाराष्ट्रियन फूड है, यहाँ पे चपाती रहता है, राइस रहता है, दाल रहता है, और दो सब्जी रहता है, स्वीट भी रहता है। देखिए, हम अंदर आ चुके हैं, बहुत बड़ा हॉल है, ये देखिए सब बैठा हुआ है डिवोटी, अभी खाना परोसा जाएगा थोड़ी देर बाद ही। यहाँ पे हर दिन लाखों लोग खाना खाते हैं। साईं बाबा बोलते थे कि मेरे जो द्वार पे आएगा वो कोई भी डिवोटीज जो है, कोई भी भक्त जो है वो भूखा नहीं रहेगा, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो। देखिए कितना बड़ा हॉल है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही आदर के साथ यहाँ पे भोजन कराया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। यहाँ पे रोटी बनाने के लिए जो चपाती बनते हैं वो बनाने के लिए 100 आदमी लगते हैं हर दिन। अगर आप भी चाहें तो ऑनलाइन में अपना नाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम पूछे हैं तो बता रहे थे कि अगर साल में आप कोई भी दिन यहाँ पे आके आप अपना सेवा दान कर सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं विदाउट पे, बिना पारिश्रमिक आपको यहाँ पे काम करना होता है। बहुत लोग आते हैं, आके अपना नाम रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ पे टाइम देते हैं, खाना खिलाते हैं, पुण्य कमाते हैं, तो आप भी आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम भी यहाँ पे है। तो यहाँ कितना लोग आते हैं, देखिए लाइन से आ रहे हैं। खाना पे यहाँ पे खर्च होता है सालाना
190 मिलियन, जो सारा जो खर्चा है वो मंदिर के ट्रस्ट जो है वो बेयर। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।